नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह ऐलान किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह एयरो इंडिया का 14वां शो है। उम्मीद है कि यह नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के प्रतिनिधि व सहभागी शामिल होंगे। वायु सेना और जापान एयर सेल डिफेंस फोर्स मिलकर वीर गार्जियन 2023 नाम से खतरनाक एयर डिफेंस एंड अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास 16 से 26 जनवरी तक होगा। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ में लगातार बढ़ रही दरारें प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई हैं, जहां उनके सामने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने पुनर्वास की चुनौती है, तो वहीं लगातार धंसते जोशीमठ को बचाने की भी समस्या है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही हंगामा हो गया। एनआरआई की बढ़ती भीड़ को देखकर प्रवेश रोक दिया गया। उनसे कहा गया है कि वे हॉल में मेगा स्क्रीन पर ही कार्यक्रम को देख लेंगे। इसमें एनआरआई भड़क गए और कहने लगे कि इतने पैसे खर्च कर आए हैं और टीवी पर कार्यक्रम देखने को कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विवाद के लिए मंच से माफी मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेवेंडर तेल की मांग बढ़ गई। इसमें चुराह क्षेत्र के किसान खुश हैं। विदेश के लेवेंडर तेल और फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन गया है। उत्तराखंड से 2 लाख लेवेंडर फूलों की स्टिक की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर से भी लेवेंडर फूल मंगवाने पड़े हैं। जिले में मेंडर के बालाकोट सेक्टर में सेना ने शनिवार शाम घुसपैठ की कोशिश करने को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों आतंकियों के शव और भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद कर लिया गया है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जनक शुक्ला को 90 के दशक के बच्चे करिश्मा के नाम से ही जानते हैं। अभिनेत्री ने सीरियल करिश्मा का करिश्मा और कल हो ना हो जैसी कई फिल्मों में काम किया है। वहीं हाल ही में अभिनेत्री ने अपने लंबे समय से रहे बॉयफ्रेंड स्वप्निल सूर्यवंशी से सगाई कर ली है। एमसीडी के सदन में शुक्रवार को हुए हंगामे के संबंध में पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट देने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उन्होंने सदन में हुए हंगामे में खुद को बेकसूर करार देते हुए पूरे मामले का बिंदुवार उल्लेख किया है। महाराजगंज जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां नौतनवा थाने की पीआरडी भी तैनात एक सिपाही पत्नी का वादा पूरा करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गुहार लगाई। आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से अपनी कैबिनेट का गठन किया, उससे कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र में मिशन 2024 एक मुश्किल काम होगा। रविवार को बनाए 7 मंत्रियों से क्षेत्रीय संतुलन नहीं बन पाया है। अकेले शिमला संसदीय क्षेत्र को ही 5 मंत्री मिले हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।